एक रीजन आई डिड नॉट फील कनेक्टेड टू द मूवी एंड आई डोंट नो कि क्या स्टोरी है. हेलो एंड वेलकम टू अनदर रिएक्शन वीडियो. और अभी हम देखने वाले हैं एक टीजर मार्टिन, जो कि कन्नड़ा मूवी है ना, कन्नड़ा इंडस्ट्री की मूवी है. और मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सुन लिया है. आई एम रियली एक्साइटेड कि ये क्या ही कर लेंगे. लेट्स वॉच एंड देन सी. वैसे आजकल धमाल कर रहे हैं. ओए पाकिस्तान, क्या बात कर रहे हैं. ओह काफी फास्ट है. वाओ, जेल था ना. ऐसा क्रूअल इंसान मैं पहली बार देख रहा. जेल. ओह शिट, एक्शन है, एक्शन मूवी है यार. पाकिस्तान. और उससे भी ज्यादा डेंजरस ये है कि इंडियन. ओ भाई, सही इमोशन से खेल लिया इन्होंने. सॉरी, उसको मारने आ रहे हैं. शिट मैन. ओए कौन है भैया. फिर जेल के अंदर कूटा कुटाई. हमारी इंडिया की ट्रेनें भी हैं भाई. सूखती गाड़ी. उसके अगेंस्ट है ना, पता था मुझे. डेट निकालो कब आ रही है. ये तो देखनी बनती है भाई. दिस इज गोइंग टू बी माई नेक्स्ट मूवी विच आई डिक्लेयर आई एम गोइंग टू वॉच ऑन थिएटर, इन थिएटर, ऑन थिएटर, थिएटर के ऊपर बैठ के. तू हाँ भरता है. इंडिया पाकिस्तान आए तो ये तो वैसे ही वो हो जाती है ना, है ना. देश तो अच्छी बात है, अच्छी बात है. वो एक वो थीम है मूवी की, मतलब वो इमोशन डाला हुआ है. और वैसे भी साउथ इंडियन मूवीज में ऐसा नहीं हो सकता कि बस मारम कुटाई चलेगी. वो इमोशन डालते ही डालते हैं. देखो ये जो अब ट्रेलर में उतना नहीं दिखाया है, बट मैं इंडिया पाकिस्तान के वो जो सीन्स दिखाए उससे ही मैं समझ गई हूँ कि भैया मजा ही आने मूवीज आ रही है कन्नड़ा, ठीक है, इंडस्ट्री और तमिल इंडस्ट्री से. ये एक अलग स्टैंडर्ड सेट कर रही हैं बॉलीवुड और ओवरऑल इंडियन सिनेमा के लिए. ऐसा बोला जाए तो लेट्स नॉट कंपेयर बॉलीवुड एंड एवरीथिंग, इंडियन सिनेमा, ठीक है. हमें ये वाले जो कैरेक्टर्स हैं इसमें, जो इसमें एक्टर्स हैं, वी आर नॉट अवेयर. हमने इनकी मूवीज़ नहीं देखी हैं, ठीक है. मूवी का सिर्फ टीज़र देखने के बाद, ठीक है, क्योंकि मेरा ध्यान एडिटिंग और उस सब में जाता है ज़्यादा, आई डिड नॉट फील दैट ग्रेट. आई थॉट दैट द टीज़र वॉज नॉट एडिटेड एज द ग्रैंड मूवी इज़. तो आई विल वेट फॉर अनदर टीजर और ट्रेलर बिफोर आई डिसाइड कि मैं ये मूवी देखूंगा या नहीं. ऑनेस्टली मैं सच बोलता हूँ भाई, ठीक है, ये मूवी बहुत कुछ है मूवी के अंदर, मगर जो सीन, जो इमोशन क्रिएट टीजर से होना चाहिए मुझे देखने के लिए कि उसमें हो क्या रहा है, ये क्या करते हैं, तो वो सीन्स काट काट के म्यूजिक डालना इज नॉट एडिटिंग. एक फाइनल उसमें फॉर मी, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल. तो मैं तुम्हें क्या बता रही हूँ, तुम आजकल समझ नहीं पा रहे हो. इनके टीजर ही दो आने हैं, फिर उसके बाद इनका ट्रेलर आना है, तो देयर विल बी अ स्टोरी. अरे नहीं, जो एक इमोशनल साइड ऑफ द स्टोरी होती है ना, वो होगी बहुत तगड़ी इस पिक्चर में. वो ये दिखाएंगे ट्रेलर में,
ये आज ये टीजर था तो उसमें ये एक्शन मूवी करके इन्होंने धमाका बता दिया। बीच में अगर तुमने सीन्स देखे हो तो वो लड़की के एक दो सीन आए हैं बिल्कुल शॉर्ट। एक्शन देखने थिएटर में नहीं जाता हूं, पता है कि वो रोमांटिक। हम दोनों अलग हो गए यहां पर, ठीक है, क्योंकि हम लोग एक्चुअली उससे सी देखो, हम जब जब हीरो लड़ रहा है ना उसकी आंखों में ना नहीं है, उसकी आंखों में आंसू है और इमोशन है। जब हम ट्रेलर उसकी आंखों का इमोशन बताता है कि कहानी बड़ी स्ट्रांग है। जब हम साथ बैठ के ट्रेलर और टीजर्स देखते हैं, हम आपके लिए भी देखते हैं, हम रिएक्शन के लिए भी देखते हैं। एक तो कंटेंट हो गया, एक आपके लिए हो गया बिकॉज यू गाइस कमेंट कि ये वाले पे करो नया आया। तीसरा हमारा जो मेन मुद्दा होता है ना वो ये होता है, ये टीजर देखने के बाद जेन्युइनली ये पिक्चर हमें देखनी है या नहीं देखनी, ठीक है, हमारा डिसाइड हो जाता है उसी मोमेंट पे। आज इसको देख के मैं नहीं डिसाइड कर रहा कि मैं ये थिएटर में पक्का देखने जाऊंगा, आई विल वेट फॉर अनदर टीजर और ट्रेलर। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, आई एम नॉट सेइंग, आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, डोंट गेट बोर्ड इन द नेक्स्ट टू मिनट्स, व्हाटएवर टॉकिंग वी आर गोइंग टू डू। एक रीजन, आई डिड नॉट फील कनेक्टेड टू द मूवी एंड आई डोंट नो कि क्या स्टोरी है और इंडिया पाकिस्तान और एक्शन, बस ये दिखा मुझे। वो तेरे को देना ही इमोशन नहीं है ना, वो तेरे को पिक्चर थोड़ी दिखा रहे हैं जो तेरे को पूरा वो दे देंगे रिव्यू। हाँ तो मैं कह रहा हूँ वेट करूंगा, तू मेरे पीछे क्यों पड़ गई है, वही मैं बोल रहा हूँ कि एक मैं कह रहा हूँ मैं वेट करूंगा, ये डिसाइड मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि ये डिसाइड कर चुकी है इसलिए देख के कि मैं मूवी देखूंगी थिएटर में। मुझे ये बताओ रिलीज कब हो रही है, मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूँ अभी, बस मैं यही बोल रहा हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ, don't hate me for this, if you want to hate me for this it's okay, but we can never hate you. हाँ, I did not like the teaser. तेरे बोलने से actually भी कोई फर्क नहीं पड़ता, because I loved it. I'll not go to watch this movie basis this trailer. That's what I'm saying. Very simple. देखो पता क्या? इस वही बात अभी लड़ेगी इस बात। नहीं नहीं, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मैंने KGF देखी है। यार कहाँ KGF? मैंने चार्ली देखी है। चार्ली तो चार्ली तो मैं 100 बार देख सकता हूँ। ठीक है, they have done great before. I'm not saying कि based on those movies मतलब मैं अपना trust और fate डाल के बोल रही हूँ कि हाँ जी मैं देख के जाऊँगी, but इसमें बड़ी variation है। वो jail के अंदर के scenes हैं, foreign country के scenes हैं, पाकिस्तान के scenes दिखाए हैं and then India के scenes दिखाए हैं, so there is a variation. So the hero is going to travel around. So there is definitely a story. और जो मैंने जैसे आपको बोला कि आप उसके इमोशन है, भारत माता का प्यार है, ठीक है, भारत माता का प्यार है, तो वो मैं इसके मजे ले रहा हूँ। स्टोरी जो होगी वो इसमें डेफिनेटली होगी और बाकी a little pinch of faith in Kannada industry because they have given us great movies in the past. So I will definitely see this movie. And before that, I'm definitely anxiously waiting for another teaser and trailer ताकि ये अपना जो स्टेटमेंट है वो चेंज हो सकता है। मैं गलत हूँ क्योंकि इट्स ट्रेंडिंग 8 इन इंडिया ऑल ओवर। अरे ट्रेंडिंग की बात नहीं है, उससे भी फर्क पड़ता है ना, पीपल आर लाइकिंग इट। जो भी है, जो भी है यार, गालियां मत निकालना मुझे। जैसे वो पाकिस्तान का प्रिजन आया ना, वो एक हिंदुस्तानी है क्या? अच्छा, मैंने बोला हाँ भैया, मैं आके अच्छा थोड़ी बोलना है क्योंकि हम रिएक्शन करने बैठे हैं ना। इसने बोला तुम मूवी देखने जाएंगे, मैं बोल रहा हूँ मैं नहीं जाऊंगा ये मूवी देखने इस ट्रेलर के बेस पे। अच्छा ठीक है, तो इसी के साथ हम करते हैं। देखो अब आगे ये कॉन्वर्सेशन चलेगी बट आप उसका पार्ट नहीं बन सकते, सॉरी, कुछ चीजें बहुत प्राइवेट होती हैं। तो ठीक है, इस रिएक्शन वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। आप प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि आप टीम रमन हो या टीम नीति, बेस्ड ऑन द टीजर, ठीक है। और क्या बता हमें थोड़ी सी क्या कहते हैं उसको, इंटरेक्शन क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन क्या कहते हैं उसको, एंगेजमेंट ही मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस रिएक्शन, बाय बाय बाय, मारताड़ी।